अस्सलामुअलैकुम मेरे सज्जनों मित्रों बेलियों, मैं हूँ आपका दोस्त आपका मित्र वजीर अली और आप देख रहे हैं नफा टीवी HD। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आप लोगों की वजह से हम आबाद हैं, आप लोगों की मोहब्बत है। यहाँ पे एक शेर है कि मैं तेरा कमी तो मेरा कमी, वेख्या कमियां दे कर करदा काम कमी, एक रब भी अपनी थां उत्ते सब दा ही हो आप कमी। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह कमी तो नहीं किसी का, लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह ये हमारा काम करना, तो हम सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे आपकी जरूरत है, आपको पाकिस्तान के डॉग्स देखने होते हैं इसलिए आप मेरी वीडियो देखते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान के मशहूर डॉग दिखाने वाला हूं, वो तो पहले भी आप देखते हैं, लेकिन ये डॉग किसके हैं? राजा ख्याम, जो कि बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तान, डेनमार्क में गालबन है या UK में है। तो बहुत अच्छे शिकारी हैं और इनका शौक सांझा है नूर जटियाणा साहब ऑफ गुगेरा बंगला उकाड़ा के करीब है। तो हम वहां पे गए और उन लोगों का इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू के बाद आपको डॉग दिखाएंगे और उसके बाद हर रोज एक डॉग की वीडियो चलेगी, इंशाल्लाह एक हफ्ता इन लोगों की वीडियो चलेगी। ये डॉग एक से बढ़ के एक है, देखने वाले हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। जनाब कैसी हैं? तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैर खैर। जनाब सब तो पहले तो तुसी अपना नाम दसो। नूर अहमद मेरा नाम जी। जी। कौम जठियाणा। इलाका अपना केड़ा है? इलाका जी मौजा जठियाणा शेखू शरीफ जी, थाना सदर बंगला गुगेरा, जिला उकाड़ा जी। जिला उकाड़ा। जनाब तुहानू बुली कुत्तियां दा शौक कदों दा लगे? बोली कुत्तियां दा जी शौक सानू प्यो दादे ला हुए। क्या बात है, यानी कि पुराने शिकारी हो? बहुत पुराने जी। बुली कुत्ते जिहड़े तुहाडे कोल आउंदे ने किस किस नस्ल दे हन? साडे कोल जी देसी बोली आण पहले। अच्छा। उस तो बाद वलैती बोली विच मिक्स कर दिते। अच्छा। हुण जी साडे कोल इस टाइम 6 कुत्ते खड़े ने। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अपना एक दोस्त बार राजा ख्याम साहब। हाँ जी, वो भाई है जी साडा। तुहाडा भाई है? माशाल्लाह। चौधरी बशारत साहब भाई ने। चौधरी बशारत साहब हो गए, राजा ख्याम साहब हो गए, तुहाडे दोस्त ने, तुहाडे वीर ने, तुहाडा सारयां दा शौक सांझा है जी। बिल्कुल। मैनूं इह दस्सो, जिहड़े हुण कुत्ते खलोते ने आपणे कोल, 6 कुत्ते खलोते ने जी, जिहदे च 2 छीणे ने गल जी, ते चिट्टे कितने ने? 2 जी। 2 चिट्टे, 2 काले। 2 काले हो गए, क्या बात है। इन्हां कुत्तियां दी तकरीबन कितनी कितनी उम्र हो गई है? ये जी मुख्तलिफ है जी, छोटे छीणे दी 4 साल, वड्डे छीणे दी 3 साल है, दूसरे भी कोई 2.5 साल दा, कोई 3 साल दा जी, कोई एक पट्ठा 2 साल दा। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने दसो मार साहब, तुहानू मार साहब आख सकदे कि राय साहब? राय साहब, बिल्कुल राय साहब। जिहड़ा बुली कुत्ता अक्सर खारिश हो जांदी है जी, कुछ लोग मेरे सवाल करते हैं, देसी की इलाज करना चाहिए? देसी इलाज जी इन्हें यही है जी, दूध घट पाओ। दूध घट पाइए? हाँ जी। अच्छा। टीके लाने चाहिए? टीका कि लाना चाहिए? ये मैंने आयो मैक लाना चाहिए, वेलो सैफ लाना चाहिए। आयो मैक ते वेलो सैफ? हाँ जी। वेल ये टीका लाना चाहिए। तकरीबन कितने दिन बाद एक टीका लगना चाहिए? ये आयो मैक लगता जी महीने बाद एक। आयो मैक महीने बाद लगता है जी? वेलो सैफ दूसरे तीसरे दिन ला देता। वेलो सैफ जड़ा दूसरे या तीसरे दिन लगता? हाँ जी। दो में लाने चाहिए के एक? दो में लाने चाहिए। दो में लाने चाहिए। तकरीबन कितने कितने टीके मैक्सिमम? मरज का हिस्सा डॉक्टर ना मशवरा करके या मरज का कोई? डॉक्टर ना जी मशवरा कर लेना, वो तो सब तो बेहतर है जी। वेरी गुड, क्या बात। अच्छा, जो अपने कुत्ते ने कुछ लड़न वाले ने, हिंद सारे भुली लड़न वाले जी, जिहड़ा कुत्ता तैयार करदे हो जी, तकरीबन कितना कोने टोरदे हो तुसीं? ओह नु जिहड़ा 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, ठीक हो गया। ते जिहड़ा आम रूटीन च कुत्ता है ओह 2-3 किलोमीटर? 2-3 किलोमीटर टोरना चाहिए जी। ठीक हो गया। ते
इन्हां नाल जी मेरा तल्लक 10 साल दा। कैसे इंसान? बहुत अच्छे जी, मेहनत बहुत चंगे लगे ने। मेरे फोन ते उन्हां नाल मुलाकात होया, मुलाकात बहुत नाइस बंदे ने जी, बहुत अच्छे ने। मेरा सज्जनो मित्रो, असीं तुहानूं हर रोज एक कुत्ते दा एक कुत्ता विखाया करने कि हुण तुहानूं असीं 6 दे 6 विखाने आ, साढ़े नाल रहना। राय साहब सानू अपने वारी वारी कुत्ते विखाओ। देखो जी, आ जाओ। चलो जी। मेरे सज्जनों मित्रों, असी जनाब राय नूर जटियाणे साहब दे असी डॉग तुहानू विखाने आ। एक ए पिंजरे च डिटेल असी तुहानू हर रोज एक कुत्ते दी विखाया करांगे। एक ए कुत्ता जी, इहदी किन्नी उम्र हो गई? 2 साल जी। 2 साल। एक ए पिंजरा ते जनाब एक ए पिंजरा जी रहण दे विच्चे, इहदा नां की है जी? गोरा। गोरा, ये वाकई है ही गोरा। ते केड़े कुत्तियां चों है ये? राजे जवेद वाले गोरियां चों। राजे जवेद वाले गोरियां दे विचों जनाब, ब्यूटीफुल डॉग। ते जनाब इहदे कुत्ता ढकिया पिया। एक मेरे सज्जनों मित्रों, इहदे विच कुत्ता एक साडे दोधी साहब भी आए हुए ने, असीं उन्हां कोल पुछांगे। जनाब कैसियां तबीयतां ने जी? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा। जनाब तुहानूं कदों दा शौक होया दुध? इहदे इस साइड ते आओ, ਚਿਹਰਾ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਲਾ ਸਾਧ ਹਨ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਹਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜੇ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼। ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਲੈਕ ਡੌਗ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ? 3 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਬਾ ਲੜਨਾ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬਲੈਕ ਦੂਏ ਡੇਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਛੀਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਛੀਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਨੂਰ ਜਠਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਛੀਣਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਹੈ ਜੀ? 3 ਮੈਚ ਵਿਨਰ, ਚੌਥਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੌਗ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ। ਜੱਠੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੱਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 32, ਸਾਢੇ 32 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ 3.5 ਇੰਚ। ਸਾਢੇ 3 ਇੰਚ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੌਗ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਨਾਬ ਛੀਣਾ ਖਲੋਤਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦਾ 34 ਇੰਚ ਕੱਦ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਦੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਖਿਆਲ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਚਲੋ।